हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप ज्यामिति सेक्शन पढ़ रहे हैं। हालांकि कहने को ज्यामिति एक थोड़ा सा, जब शुरुआत में ज्यामिति कह दीजिए तो थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ज्यामिति का, बाई कॉन्सेप्ट चले आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहला पार्ट यदि आपने समझा है तो दूसरे पार्ट में कुछ है ही नहीं। एक बेहद सिंपल, बेहद आसान सेक्शन, कोण एंगल सेक्शन मैंने अभी लिया है। और देखें, कोण के बाद मैं फिर चर्चा करूँगा रेखा और कोण दोनों मिक्स करके, लाइन एंड एंगल। ये हमारा पार्ट तीसरे में मैं लेकर उसको आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसके एक एक पार्ट को देखिए, गारंटेड ज्यामिति को लेकर जो भी प्रश्न बनेगा, डेटा की तो बात नहीं करते लेकिन स्ट्रक्चर प्रश्न का पैटर्न सिमिलर मिलेगा जो मैं आपको बताया रहूंगा। बिल्कुल विश्वास से आप पढ़िए और ज्यामिति को लेकर बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिए कि कहाँ क्या पढ़ना है, कितना ब्रॉड पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा नियामक जो प्रश्न आपके लिए सेट करता है उसकी सारी रूपरेखा हमें पता है। बस आप एक एक सेक्शन को ध्यान देना और ऐसा नहीं सोचना कि थोड़ा कठिन लग रहा है तो छोड़ दे। कठिन तो पहली बात लगेगा ही नहीं। और जो स्टूडेंट अभी देर से जुड़ेंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार जब वीडियो रुक जाए, मतलब मेरा लेक्चर समाप्त हो जाए, तो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उसे फिर से एक बार देख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपन वीडियो पार्ट दूसरा, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक हेडिंग किया है, पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। और यह पूरक कोण को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कोट पूरक कोण। कहीं कहीं पूरक लिखा होता है, कहीं कहीं कोट पूरक कोण लिखा होता है। तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि क्या है, दोनों एक ही है। पूरक कोण कहें चाहे कोट पूरक, समपूरक की अभी चर्चा करेंगे। तो पहले ध्यान देना, बस इतना समझना, ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। अच्छा, ध्यान देना, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, पूरक कोण कहलाता है। अच्छा, अभी थोड़ा समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 50 डिग्री का एक कोण है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे 40 डिग्री, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए, एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा 40, 50 40 90। 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का पूरक कितना हो गया 30, 60 30 90। 70 डिग्री का पूरक क्या होगा, आप बोलेंगे 20 डिग्री। मैं पूछूं कैसे पता चला, तो आप यही कहेंगे कि किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से उस कोण को घटा दिया जाता है। किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से उस कोण को घटा दिया जाता है। जैसे ध्यान देना, मैं आपसे कहूं कि कोण थीटा है, हमने मान लिया कोण क्या है, थीटा है, तब इसका पूरक कोण क्या होगा बताएं। तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं, पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से उस कोण को घटा दिया जाता है। तो 90 डिग्री में से वो कोण थीटा है, घटा दीजिए, पूरक कोण मिल गया। जैसे मैं कह दूं कोण 60 डिग्री है तो पूरक कितना होगा, 90 माइनस 60 30। यदि कोण 70 डिग्री है तो पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 70 कितना, 20। तो ये बात आप समझ गए हैं। यहां पर संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाता है। तो चलिए, अच्छा बताएं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, यदि एक कोण 120 डिग्री है तो दूसरा 60, यदि एक कोण 150 डिग्री है तो दूसरा 30, है ना। यदि एक कोण 100 डिग्री है तो इसका संपूरक कितना होगा,
30, 150 का संपूरक 30 कैसे मिलता है? तो किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उस कोण को 180 डिग्री में से घटा दिया जाता है। जैसे ये हिंट आप जरूर नोट किए रहिए क्योंकि जब प्रश्न हल करेंगे तो इसी तरीके से मानना होगा। जैसे कोण नहीं पता होगा तो आप इसी तरीके से मानेंगे। जैसे हमने मान लिया कोण थीटा है, तब इसका जो संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण जो होगा वो 180 में से उस थीटा को घटा देना। जैसे कोण 100 डिग्री है तो संपूरक कितना होगा? 180 माइनस 100, 80 डिग्री। यदि कोण 120 हो जाए, थीटा का मान 120, तो 180 में 120 घटा देंगे तो संपूरक कोण 60। तो किसी कोण का संपूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं? 180 डिग्री में से घटाकर। एक इसी में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें समझना है। एक छोटी सी थ्योरी और है, इसके बाद सीधे प्रश्न की बात करेंगे। पहले थ्योरी आप समझे रहेंगे तो प्रश्न में कुछ होता ही नहीं है ना। तो चलिए ध्यान देना, हमने एक हेडिंग किया कोण का मान अंश मिनट और सेकंड में। इस थ्योरी को थोड़ा समझिएगा, कोण का मान अंश मिनट और सेकंड में। तो एक चीज ध्यान देना, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। एक डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। जब ये सिंगल डॉट रिप्रेजेंट करे तो सिंगल डॉट बताता है मिनट को। देखिए ये अंश है डिग्री, एक डिग्री बराबर, एक अंश बराबर कितना होता है? 60 मिनट। एक अंश में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए? एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। जब सिंगल डॉट रहे तो मिनट होता है, डबल डॉट रहे तो सेकंड। एक अंश बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये दो बातें ध्यान देना। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न की भूमिका बना लूं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 90 अंश को, 90 डिग्री को अंश मिनट और सेकंड में बदलिए। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 90 अंश को हमें किस में बदलना है? अंश मिनट और सेकंड में। तो अच्छा बताइए, 90 अंश है, 90 डिग्री है, पहले आप बताइए मैं इसको 89 डिग्री और प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं? 89 अंश प्लस 1 अंश लिख सकता हूं कि नहीं? यदि 89 अंश और 1 अंश जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 90 अंश। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? हमने ऐसा इसलिए क्यों इसलिए कर दिया क्योंकि 1 अंश बराबर होता है 60 मिनट। मैंने इसलिए 1 अंश अलग कर दिया ताकि इसको मिनट में बदल ले। तो ऐसा नहीं सोचना कि 90 अंश है तो हम 80 अंश प्लस 10 भी लिख सकते हैं, 70 प्लस 20 भी लिख सकते हैं। तो आप 89 अंश लिखिए और प्लस 1 अंश। 1 अंश ही इसलिए अलग करते हैं ताकि 1 अंश को हम मिनट में रिप्रेजेंट कर सके। 1 अंश बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है, और इसीलिए हमने 1 अंश अलग कर दिया। तो ये बात समझ में आया? 90 अंश को 89 अंश प्लस 1 अंश लिखा। अब ये 89 अंश है और 1 अंश में कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट नहीं लिखिए बल्कि 59 मिनट लिखिए और प्लस 1 मिनट अलग कर दीजिए। क्योंकि ध्यान देना, 1 अंश बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 1 अंश बराबर आप 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? 59 मिनट और 1 मिनट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा कि नहीं? तो 59 मिनट और 1 मिनट मिलकर 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट में 1 अंश होते हैं।
अब बताइए मैंने ऐसा क्यों कर लिया, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है तो 59 मिनट प्लस एक मिनट इसलिए लिख दिया ताकि एक मिनट को हम सेकंड में बदल दें, इसीलिए केवल एक अलग करते हैं। तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो जहां एक मिनट है ये देखिए 89 अंश लिखिए और प्लस 59 मिनट लिखिए और एक मिनट जो बचा है इसको 60 सेकंड अब पूरा का पूरा रख दीजिए, अंश मिनट और सेकंड में बदल गया। तो 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 89 अंश 59 मिनट 60 सेकंड। उल्टा चाहे तो चेक कर लीजिए, एकदम 90 अंश के बराबर ही आएगा। कैसे, 60 सेकंड है, 60 सेकंड बराबर एक मिनट होता है तो ये एक मिनट यहां चलाएगा, 60 सेकंड बराबर एक मिनट तो एक मिनट यहां चलाएगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर एक अंश होता है तो एक अंश यहां चलाएगा तो 89 अंश और एक कितना हो गया 90। तो इसी प्रकार एक और जानकारी समझिएगा, जैसे 180 डिग्री को 180 अंश को हमें अंश मिनट और सेकंड में रखना हो तो कैसे लिखेंगे, 180 अंश है तो पहले आप इसको 179 अंश पहले लिख दीजिए, एक अंश हमने क्यों कम कर दिया, 180 अंश है तो पहले केवल 179 अंश रखिए, अभी एक अंश बचा है तो एक अंश में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट मत लिखिए बल्कि 59 मिनट ही लिखिए, अभी एक मिनट इसका बचा है तो एक मिनट बराबर कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ये कर दीजिए। तो देखिए 180 अंश को पहले केवल 179 अंश रखिए, एक अंश बचा है ना, एक अंश बराबर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट पूरा मत लिखिए 59 मिनट लिखिए, एक मिनट कम कर दीजिए और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अब पूरा का पूरा लिख दीजिए 60 सेकंड। तो ये व्यक्त करना थोड़ा समझ रहिए क्योंकि अभी आगे इसका मैं प्रयोग भी कराऊंगा, तो इस पार्ट को एक बार देखना। अब मैं प्रश्न की चर्चा कराऊं तो कोण से रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी आपको दिया, अब इससे रिलेटेड आप प्रश्न देखेंगे, तो जब अगला पार्ट 3 लेकर मैं आऊंगा तो रेखा और कोण से मिला जुला प्रश्न होगा। चलिए फिलहाल इसे इरेज करते हैं, चलिए एक प्रश्न यहां से देखते हैं, ये आया हुआ प्रश्न मैं लिख रहा हूं, एक्स और वाई पूरक कोण है यदि इनके कोणों में अंतर 10 अंश हो तो इनमें से बड़े कोण का मान बताइए। चलिए ध्यान देना, मैंने लिखा है कि x और y दोनों कैसे कोण है, चलिए मैंने 20 कर दिया, x और y दोनों पूरक कोण है, कैसे कोण है पूरक, कौन x और y दोनों मिलकर ये पूरक कोण है, x और y क्या है पूरक कोण, यदि इनके कोणों में अंतर 20 डिग्री हो तो हमसे पूछा है कि इनमें से बड़े कोण का मान क्या होगा। चलिए अच्छा एक चीज बताएं आप हमें कि जैसे x और y पूरक कोण है तो आप परिभाषा जानते हैं पूरक कोण का, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है, तो x और y दोनों पूरक कोण है तो निश्चित रूप से x और y का योगफल कितना आएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। जैसे x और y दोनों कैसे कोण है पूरक कोण है, तो यदि दोनों पूरक कोण है
तो निश्चित रूप से दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ये तो नहीं ढूंढेंगे कि यहाँ तो 90 दिया ही नहीं है, यक्ष और वाई पूरक कोण है तो पूरक कोण की परिभाषा ही होती है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, तो यक्ष और वाई पूरक कोण है तो निश्चित रूप से इनका योगफल कितना आएगा 90 डिग्री। आगे हमने लिखा यदि इनके कोणों में अंतर 20 डिग्री हो, किसके यक्ष और वाई के, इनके कोणों में अंतर कितना है 20 डिग्री है, तो एक्स और वाई दोनों में जो अंतर है वो 20 डिग्री है, तो ये दो समीकरण प्राप्त हुए कि नहीं। यक्ष और वाई पूरक कोण है तो इनका योगफल 90 डिग्री होगा, और इनके कोणों में अंतर 20 डिग्री है तो यक्ष माइनस वाई बराबर 20 हो गया। दोनों समीकरण को हल करिए कैसे, आप इन दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए और राइट को राइट साइड में। कैसे जोड़ेंगे, एक यक्ष और एक यक्ष जोड़ने पर कितना आएगा, समीकरण एक और समीकरण दो को मैं जोड़ रहा हूं तो एक यक्ष और एक यक्ष जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो यक्ष आएगा। अब प्लस वाई माइनस वाई जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये कट जाएंगे। देखिए एक यक्ष और एक यक्ष कितना हो गया, दो यक्ष। प्लस वाई और माइनस वाई विपरीत चिन्ह होने के कारण कट गए तो 90 और 20 कितना हो गया 110, तो यक्ष बराबर कितना, दो यक्ष बराबर 110, तो यक्ष बराबर कितना, दो इधर गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा तो यक्ष बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। तो एक तो आ गया 55 डिग्री। तो अच्छा एक चीज बताइए, यक्ष और वाई दोनों का योगफल 90 है तो यक्ष का मान 55 हो गया तो वाई कितना हो जाएगा, यक्ष का मान 55 यहां रखेंगे तो 55 उधर घट जाएगा और 90 में से 55 घटेगा तो y बराबर कितना आ गया 35। देखिए उत्तर आ गया, इनमें से बड़ा कोण पूछा है तो 55 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो एक बार फिर समझना, x और y पूरक कोण है तो निश्चित रूप से दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, और इनके कोणों में अंतर 20 डिग्री दिया है तो मतलब x और y में जो अंतर है 20 डिग्री है। जोड़ने पर एक यक्ष और एक यक्ष जोड़ेंगे तो दो यक्ष हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई जोड़ेंगे तो कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है। 90 और 20 जोड़ेंगे 110, तो यक्ष बराबर कितना, दो उधर भाग हो जाएगा तो 110 में दो से भाग करेंगे 55 आएगा। तो मैंने काटा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं सोमवार को कम काटता हूँ। ध्यान देना, दो इधर गुणा हो रहा है उधर भाग होगा तो कितना आएगा 55, तो यक्ष का मान 55 हो गया, यहाँ रखेंगे तो पक्षांतर होने पर घट जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इससे जुड़ा कुछ प्रश्न और देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। देखिए एक प्रश्न में लिखा है कि कोई कोण अपने पूरक कोण के तीन गुने से 30 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान बताइए। तो चलिए ध्यान देना, हमने प्रश्न में क्या लिखा है कि कोई कोण जो है, ध्यान देना यहां कामा कर लीजिए, कोई कोण जो है वो अपने पूरक कोण के तीन गुने से 30 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान क्या होगा। अच्छा गणित में कामा का सेंस होता है बराबर, मतलब कोई कोण जो है, ध्यान देना ये कोई कोण जो है ये बराबर है, कोई कोण जो है वो बराबर है, कामा का मतलब होता है बराबर, कोई कोण जो है बराबर है किसके बराबर है, अपने पूरक कोण के तीन गुने से अधिक 30 डिग्री। कोई कोण किसके बराबर है, अपने पूरक कोण के, कोई कोण किसके बराबर है, अपने पूरक कोण के तीन गुने से 30 डिग्री अधिक। पहले बताइए प्रश्न का सेंस समझ में आया कि नहीं, कोई कोण जो है वो बराबर है किसके बराबर है, अपने पूरक कोण के 30
तीन गुने से, पूरक कोण के तीन गुने से अधिक, कितना अधिक, 30 डिग्री, यही सवाल है ना। अच्छा बताइए, किसी कोण का खुद का पूरक कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? किसी कोण का खुद का पूरक कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 90 से घटाकर। जैसे हम पूछे कि कोई कोण 50 डिग्री है तो उसका अपना पूरक कोण क्या होगा, 40। कोई कोण 60 डिग्री है तो उसका अपना पूरक कोण क्या होगा, 30। कैसे पता चला, 90 से घटाकर। तो यहां पर कोई कोण है वो कोण क्या है नहीं पता। हमने मान लिया ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा। तो कोण थीटा बराबर है किसके, अपने पूरक कोण के। तो बताइए थीटा का अपना पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। किसी कोण का पूरक कोण निकालना हो तो उसे 90 से घटा देते हैं। तो हमने माना कोण वह थीटा है, तो थीटा का अपना पूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब इसमें 3 से गुणा करके 30 डिग्री जोड़ना है, बस यही गुणा करना, 3 का गुणा इधर भी, 3 का गुणा इधर भी। तो कितना आया, थीटा बराबर 3 का गुणा 90 में 9 3 27, 270 डिग्री आ गया। 3 का गुणा माइनस थीटा में माइनस 3 थीटा हुआ, अब प्लस कितना। अच्छा ये नहीं कहना कि माइनस 30 प्लस 30 काट दे, ये माइनस 3 थीटा है। तो ऐसा करिए ना, माइनस 3 थीटा इधर पक्षांतर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो 1 थीटा और प्लस 3 थीटा कितना हो गया, 4 थीटा, बराबर कितना, 300। देखिए माइनस 3 थीटा इधर प्लस होगा, तो 1 थीटा और प्लस 3 थीटा जोड़ने पर 4 थीटा आएगा, बराबर 270 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300। तो 4 गुणा हो रहा है उधर, भाग हो जाएगा, तो थीटा बराबर 300/4, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, कितना गया, 75 डिग्री। तो हमने पूछा है तो उस कोण का मान बताइए, और वह कोण हमने थीटा माना था, और थीटा का मान कितना गया, 75, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेशक आप इसे समझ गए होंगे, आप कहीं डाउट हो तो एक बार फिर से प्ले करना, हालांकि बाद में प्ले कर लीजिएगा, हालांकि बेहद आसान प्रश्न है। एक सवाल में अ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इसमें जिस स्ट्रक्चर से प्रश्न संभावित बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहां क्रमबद्ध तरीके से लिखूंगा। चलिए एक सवाल और देखिए, हमने लिखा है P1 और P2 पूरक कोण है। आगे हमने लिखा है यदि P1 अपने संपूरक कोण के 9/11 गुने के बराबर हो तो P2 का मान बताइए। चलिए पूरा प्रश्न पढ़ पा रहे हैं जी, हमने देखिए प्रश्न ये लिखा कि P1 और P2 ये दो ऐसे कोण है कि ये पूरक कोण है। अच्छा बताइए P1 और P2 कैसे कोण है पूरक, तो यदि P1 और P2 पूरक कोण है तो निश्चित रूप से इनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। जैसे P1 और P2 दोनों कैसे कोण है, पूरक कोण है, यदि P1 और P2 पूरक कोण है तो निश्चित रूप से P1 और P2 का योगफल कितना आएगा, 90 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अभी ध्यान देना, आगे हमने लिखा है कि यदि P1, यदि P1 कॉमा है, कॉमा का मतलब होता है बराबर, यदि जो P1 है ये बराबर है, किसके बराबर है, अपने संपूरक कोण के। ध्यान देना P1 किसके बराबर है, अपने संपूरक कोण के कितने गुने के बराबर, 9/11 गुने के। बेहद आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं।
P1 और P2 पूरक कोण है, तो P1 और P2 का योगफल कितना आएगा 90 डिग्री। आगे हमने लिखा है कि यदि P1 जो है, P1 के बाद कामा, ये P1 जो है ये बराबर है किसके बराबर है, अपने संपूरक कोण के कितने गुने के, 9/11 गुने के बराबर है। लैंग्वेज समझ है ना, P1 बराबर है किसके, अपने संपूरक कोण के 9/11 गुने के। तो चलिए ध्यान देना, P1 बराबर है अपने संपूरक, तो P1 का अपना संपूरक क्या होगा, 180 माइनस P1 होगा कि नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है। यदि एक कोण 100 डिग्री है तो उसका संपूरक 80 होगा, यदि एक कोण 120 डिग्री है तो उसका संपूरक कितना होगा, 60 होगा। कैसे पता चला, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा, तो 120 डिग्री का संपूरक कितना आएगा, 60। कैसे पता चला, 180 में से घटा देते हैं। तो इसी तरीके से P1 का अपना संपूरक क्या होगा, 180 में से उस कोण P1 को घटा दीजिए तो उसका संपूरक कोण आ गया। अब गुणा करना 9/11, ऐसा करिए ना, 11 भाग हो रहा है बटे में, अब 11 को बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 11 का गुणा जब P1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 P1 बराबर। देखिए 11 भाग हो रहा है तो 11 को जब बाएं तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 11 P1 बराबर। अब 9 बचा है तो 9 का गुणा 180 में भी, 9 का गुणा माइनस P1 में भी, तो कितना आएगा, 1080 ही आएगा ना, 9 का गुणा 180 18 9। देखिए ये 0 9 8 72 2 7 1620 और माइनस आएगा 9 P1। देखिए थोड़ा गुणा वगैरह ध्यान दिया करिए, है ना, प्राइमरी के बाद मैं पहली बार गुणा कर रहा हूँ, है ना। चलिए ध्यान देना, 11 भाग हो रहा है इधर बाएं तरफ आएगा, गुणा होगा 11 P1 हो जाएगा बराबर, 9 का गुणा 180 में 18 9 162 1620 आया, माइनस 9 का गुणा P1 में। अच्छा माइनस 9 P1 बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 11 P1 प्लस 9 P1 कितना हो गया, 20 P1 बराबर कितना, 1620। क्योंकि माइनस 9 P1 इधर प्लस हो जाएगा तो 11 P1 प्लस 9 P1 20 P1 बराबर 1620। तो ये 20 उधर भाग होगा तो 0 0 पहले कट कर दीजिए, अब 2 उधर भाग होगा तो 2 8 16 81 डिग्री आ गया, तो P1 का मान 81 आ गया। हमसे P1 नहीं पूछा है, P2 का मान पूछा है। तो एक चीज बताइए, P1 और P2 पूरक कोण है, मतलब P1 और P2 का योग 90 है, P1 और P2 का योग कितना है 90, और P1 यदि 81 हो गया तो निश्चित रूप से P2 कितना हो जाएगा 9 डिग्री, बस P2 का मान कितना है 9 डिग्री। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और देख लीजिएगा, है तो सिंपल लेकिन आप देखे रहेंगे तो थोड़ा अभ्यास हुआ रहेगा। चलिए एक प्रश्न में और लिख रहा हूं, अच्छा हल तो नहीं करने लगे अभी, ये तो मैंने आधा ही लिखा है ना, चाहे तो आधा केवल हल कर लीजिएगा। चलिए एक सवाल में अभी कंप्लीट कर रहा हूं, यहां जो मैंने लिखा है ये मैंने ऐसा इसलिए कर दिया ताकि आपको मेहनत कम पड़े। देखिए प्रश्न हमने ये लिखा है कि P1 और P2 संपूरक कोण है, यदि P1 अपने कोटि पूरक कोण के 3/7 गुने के बराबर हो तो P2 का मान बताइए। अच्छा बताइए P1 और P2 दोनों कैसे कोण है, संपूरक है, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है। चूंकि P1 और P2 संपूरक कोण है इसलिए P1 और P2 दोनों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री। बात समझ आए कि नहीं, क्योंकि P1 और P2 संपूरक है सप्लीमेंट्री, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो संपूरक होता है, तो ये तो पता चला। आगे हमने लिखा है कि यदि P1 कॉमा है मतलब बराबर है, यदि P1 जो है ये बराबर है किसके बराबर है, अपने कोटि पूरक कोण के 3/7 गुने के,
बताइए पी वन किसके बराबर है, अपने कोटि पूरक कोण के 3/7 गुने के बराबर। ध्यान देना ये पी वन जो है ये बराबर है किसके, अपने कोटि पूरक कोण के कितने गुने, 3/7 गुने के। अच्छा पी वन का अपना कोटि पूरक कैसे आएगा, 90 से घटाकर। कोटि पूरक का मतलब पूरक ही होता है, जैसे हम आपसे पूछे 60 डिग्री का कोटि पूरक तो आप कहेंगे 30 डिग्री, 70 डिग्री का कोटि पूरक कितना आएगा 20 डिग्री, कैसे पता चला 90 से घटाकर। तो आप बताइए कि पी वन का अपना कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस पी वन, और इसका गुणा करें 3/7। तो P1 का अपना कोटि पूरक क्या होगा, 90 में से P1 घटा दीजिए उसका खुद का कोटि पूरक आ जाएगा, और गुणा 3/7, 7 भाग हो रहा है बाएं तरफ लाएंगे गुणा हो जाएगा, तो 7 का गुणा P1 में, 7 P1 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 90 में, 3 × 27 270 होगा, 3 का गुणा माइनस P1 में जब गुणा करेंगे तो माइनस 3 P1 हो गया। अब ऐसा करिए माइनस 3 पी वन जब बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 पी वन और प्लस 3 पी वन कितना हो गया 10 पी वन बराबर 270, तो ये 10 से ये कट गया 27 बार में, तो पी वन बराबर आ गया 27 डिग्री। लेकिन हमसे पी वन नहीं पूछा है पी टू का मान, तो पी वन और पी टू का योगफल 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, तो पी वन जब 27 हो गया इसलिए P2 कितना हो जाएगा 153 डिग्री। तो चलिए आंसर आ गया होगा, वैसे रजत भी खूब खुश है क्योंकि रजत ने पहले ही हल करके उत्तर दिखा दिया हमें, तो है ना। तो बड़े देखिए रजत जो है बिल्कुल क्लास एक्टिव रहते हैं, कैमरे के साथ भी एक्टिव रहते हैं, और प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसमें भी बड़े एक्टिव, बड़ा मन लगता है। देखिए क्लास में और ऑनलाइन में, क्लास में जैसे आप सभी स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ समझ में आप फिर से बताना है, और यहाँ मैं किससे पूछूँ, मेरे सामने केवल एक कैमरा रहता है, लेकिन मेरा इस मामले में भरपूर साथ देते हैं रजत, बहुत अच्छे हैं, तो बराबर आप लोग जानते भी हैं। चलिए अब मैं एक प्रश्न यहाँ से और ले रहा हूँ जो अंश मिनट और सेकेंड से रिलेटेड है, और उसके साथ ये फिर लेक्चर में समाप्त करूंगा, अगले लेक्चर में रेखा कोण और बहुभुज के मिले जुले प्रश्नों को लेकर आपके सामने आऊंगा। चलिए मैंने एक प्रश्न लिखा, हमने लिखा कि 37 डिग्री 24 मिनट और यहां पर 45 सेकेंड, इसका पूरक कोण बताइए। इसका पूरक कोण बताइए। तो एक चीज बताइए, जैसे मैं आपसे किसी कोण का पूरक कोण पूछता हूं तो आप उसे 90 डिग्री में से घटा देते हैं। जैसे मैं पूछूं 60 डिग्री का पूरक क्या होगा तो आप बताते हैं 30 डिग्री, 90 में से 60 घटा दिया। 70 डिग्री का पूरक पूछे तो आप 20 डिग्री, 80 डिग्री का पूरक 10 डिग्री। तो पूरक कोण निकालना बेहद आसान है, 90 में से घटा देते हैं। तो हमने आपसे किसका पूरक पूछा है, 37 अंश 24 मिनट 45 सेकंड, इसका पूरक पूछा है। तो जब किसी कोण का पूरक कोण निकालना हो तो 90 अंश में से घटा दीजिए किसको, ये जिसका पूछा है 37 अंश 24 मिनट 45 सेकंड। तो यदि 90 अंश में से इस कोण को घटा दिया जाए तो पूरक कोण आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। जैसे मैं पूछूं कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो हम सभी क्या करते हैं, सीधा सीधा 90 में से 60 घटा देते हैं, उत्तर आता है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरक क्या होगा,
तो इसी तरीके से इसका पूरा कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री में से इस कोण को घटाना है। अब कैसे घटेगा, ये तो अंश मिनट सेकंड सब घुलनशील है, सब मिक्स है, और यहाँ केवल अंश है, तो इस अंश को भी हम अंश मिनट सेकंड में बदलेंगे। कैसे, पहले जो 90 अंश है तो 90 अंश नहीं बल्कि 89 अंश लिखते हैं। कैसे बदला जाता है ये मैंने बताया, और जो देर से जुड़ रहे हों मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो जब मैं स्टॉप करूं, मेरा लेक्चर समाप्त हो, एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा कि अंश को अंश मिनट सेकंड में कैसे बदलते हैं, क्योंकि मैंने बदलना बता दिया था। तो जो देर से जुड़े हों उनके लिए ध्यान देना, हम सभी जानते हैं एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो चलिए ध्यान देना, पहले 90 अंश को हमने क्या लिखा, 89 अंश, अभी कम पड़ रहा है, कितना, एक अंश मैंने कम लिखा है, इसलिए कम लिखा है ताकि एक अंश को मिनट में बदले। तो एक अंश बराबर 60 मिनट है, तो 60 मिनट पूरा नहीं लिखिए, 59 मिनट ही लिखिए, एक मिनट मैंने कम कर दिया इसलिए, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब 60 सेकंड पूरा लिख दीजिए। अब ये पूरा आ गया आपका, तो 90 अंश को इतना आप लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था, एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिए जो देर से स्टूडेंट जुड़े हों। इसमें से घटा दीजिए 37 अंश 24 मिनट 45 सेकंड। तो अब ध्यान देना, आसानी से आप घटा सकते हैं। तो जो मैंने फिर से एक बार कह दे रहा हूं, इस पार्ट को मैंने बेहतर ओपन किया था, बाद में फिर से देख लीजिएगा। अब ध्यान देना, घटाना बेहद आसान है, पहले 60 सेकंड में 45 सेकंड घटाएंगे कितना आएगा, 15 सेकंड, 60 सेकंड में 45 सेकंड घटाएंगे तो 15 सेकंड, 59 मिनट में 24 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा, 35, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 35, और 89 अंश में 37 अंश घटाएंगे तो 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 3 गए 5, तो 52 अंश 35 मिनट और 15 सेकंड। तो ये हमारा आंसर रहा। तो बस आप इतना ध्यान देना, और यदि मैं इसका संपूरक कोण पूछता तो 180 डिग्री में घटाया जाता, तब इसे मैं लिखता 179 अंश 59 मिनट 60 सेकंड, अब फिर इसको घटा देता। तो चलिए ये पार्ट आपका क्लियर है, एक बार पार्ट को फिर से पूरे तरीके से देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। आज की क्लास में बस इतना ही रखूँगा, और अगले क्लास में पार्ट तीसरा मैं लेकर आऊँगा, रेखा और कोण, पहले उसकी थ्योरी बताएंगे, तब प्रश्न हल करेंगे, और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।